अच्छे से हमारे समोसे परफेक्टली ब्राउन हो गए। आपको बताते हैं कितने मज़ेदार और क्रिस्पी बने हैं हमारे समोसे, ये देखिए एकदम परफेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं परफेक्ट तरकारी के समोसे और धीमे के समोसे बनाने की रेसिपी। रमज़ान आ रहा है तो समोसे तो हर घर में बनते हैं, तो आप घर पे कैसे परफेक्ट एकदम बाजार जैसे समोसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें आप पहले से रेडी करके रख लें, जिस तरह के यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, इसे फाइनली चॉप कर लिया है। मैं क्वान्टिटी ज़्यादा बना रही हूँ, आप अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से जितने आप बना रहे हैं एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही ये मटर मैंने इसे बॉईल करके रख लिया है। कैरेट लिए है मैंने 3 और इसे ग्रेट करके रख लिया है, तो हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना इसमें निकाल लेंगे। इस तरह से आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं। वॉश करके मैंने ग्रेट करके रख लिया है, ये देखिए। साथ ही कैरेट लिए है हमने, कैरेट को भी हम ग्रेट कर लिया है, कैरेट को भी वॉश करके रखा है। आप भी इसी तरह एक साथ बना लें और फिर फ्रीज़र में रख लें ताकि आपको आसानी हो, जभी भी आपको बनाना है आप निकालें, जस्ट फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए पहले हम बनाते हैं तरकारी के समोसे। ये पैन रख दिया है हमने, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 2-3 टीस्पून। ज़ीरा डालेंगे हम 1/2 टीस्पून और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन, आप देख सकते हैं ये 2 टेबलस्पून के करीब में इसमें ऐड कर रही हूँ। रिमेनिंग हम धीमे के समोसे में ऐड करेंगे। चलिए इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे हल्का से कुक करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज हल्की ब्राउन हो गई, इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तरकारी के समोसे और साथ ही खीमे के भी। आप जरूर ट्राई करें ये दोनों रेसिपी और आप इसे फ्रीज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून, बाकी हम टेस्ट करके ऐड करेंगे सारी चीज़ें। और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, ये मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। ये मसाले को मिक्स कर लेंगे। मसाले जलने नहीं चाहिए तो इसी सेम टाइम पे हम ऐड करेंगे इसमें कैरेट। मटर मैंने बॉईल कर लिया था तो इसे ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस धीमी आंच पे आप इसे वेजिटेबल्स को अच्छे से पका लें। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे 7 मिनट्स के लिए पकाएंगे, 7-10 मिनट तक के लिए, जब तक कि तरकारी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप इसी तरह इसे कवर करके लो फ्लेम पे 7-10 मिनट के लिए पकाएं और नमक और मिर्ची टेस्ट कर लें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए 7 मिनट्स हो गए हैं और हमारा तरकारी अच्छे से कुक हो गई है। फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कुकमेट और इसे मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। एकदम चटपटी हमारी तरकारी रेडी हो गई है। आपको हम बताएंगे आप कैसे इसे स्टोर करके 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए हमारा मिक्स वेज रेडी हो गया है तरकारी के समोसे की स्टफिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाएंगे खीमे के समोसे की स्टफिंग। इसके लिए यहाँ पर पैन ले लिया है मैंने और इसमें हम तेल डालेंगे 4 टीस्पून के करीब और इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो गया इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 400 ग्राम खीमे की मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी। 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। चलिए जैसे ही अदरक लहसुन हो चुका है हम इसमें ऐड करेंगे खीमा। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। मटन खीमा है ये 400 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे तेल के साथ आप अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं खीमे के समोसे। ये हम स्टोव करेंगे और पूरा महीना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पानी हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया है। ये खीमे का पानी आप देख सकते हैं और इसमें पानी ऐड भी नहीं होता है। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं खीमे पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च 3/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं क्वांटिटी। सॉल्ट ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साथ ही चाट मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून। आप चाट मसाला 1/2 टीस्पून तक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे खीमे के साथ। एकदम ड्राई होता है ये खीमा और इसे हमें इसी तरह गलाना है बिना पानी ऐड किए। बस आप इसे अच्छे से भूनते जाएं और मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में पकाते जाएं। तो देखिए मसाले हमारे हमने मिक्स कर दिए अच्छे से। अब जब तक ये खीमा सॉफ्ट नहीं होता हम इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। नमक और मिर्ची आप टेस्ट करके ऐड कर लें। इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और खीमा हमारा ड्राई भी हो गया है और अच्छे से कुक भी हो चुका है। चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें रिमेनिंग जो हमारी चीज़ें हैं वो मिलाएंगे। ठंडा हो चुका है और हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। अच्छा फ्लेवर आता है इससे। मीडियम साइज़ की प्याज आप इसमें ऐड कर दें। साथ ही इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड मटर, ये 3 टेबल स्पून के करीब आप ऐड कर दें। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई कुकमर और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे खीमे के साथ। ये हमारी खीमे की फिलिंग रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से इसे फोल्ड कर लें, थोड़ा सा बाहर लें और फिर इस तरह से इसे गोल का शेप दे दें। ज़्यादा ओवर स्टफिंग ना करें वरना सही बाइंडिंग नहीं आएगी। तो 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे लेवल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मेक श्योर करें और फिर हम यहाँ पर लगा देंगे। कॉर्नर सील करेंगे और इसे अंदर ले। ये देखिए
लिए हमारा परफेक्ट क्रीमी समोसे की स्टफिंग रेडी हो गई है। चलिए आपको बताते हैं कैसे स्टोर करेंगे। सारे हमारे समोसे रख देंगे। इस तरह से एक लेयर रख दी हमने और इस पर हम रखेंगे बटर पेपर और रिमेनिंग समोसे भी इसी के ऊपर रख देंगे ताकि समोसे एक दूसरे से चिपके रहें और फिर इसे अच्छे से कवर करेंगे और फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे। जब भी आपको फ्राई करना है थोड़ी देर पहले आप फ्रीजर में से बाहर निकालें और इसे अच्छे से फ्राई करें। देखिए फ्रीजर में से हमने डायरेक्ट निकाल लिए हैं समोसे और यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे वरना डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो आप इसी तरह डायरेक्ट इसे फ्रीजर में से निकालें और ऑयल में ऐड कर दें, इसको आपको बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फिर निकाल देंगे। देखिए अच्छे से हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। हमारे फाइनल इजी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाले तरकारी और खेमे के समोसे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप इसे फ्रीज करके यूज़ कर सकते हैं बन के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हैदराबादी फूड हब को। थैंक यू एवरीवन।